पंजाब राउंडअप करेंगे। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एसजीपीसी की तरफ से राहत सामग्री भिजवाई जा रही है। रूपनगर जालंधर समेत कई जगहों पर पीड़ितों की मदद की जा रही है। वहीं पीड़ितों के लिए एसजीपीसी ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। रूपनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी कमिश्नर ने कई गांवों का दौरा किया है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि रूपनगर में करीबन 70 से 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब में भारी बारिश के बाद जालंधर के कई गांवों में जलभराव हुआ। वहीं जालंधर के डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। पंजाब में बाढ़ के बाद कई संस्थान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं कपूरथला में भाईचारा देखने को मिला, जहां सिख जत्थेबंदियों और मुस्लिम भाइयों की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। पटियाला में हल्का सनौर के विधायक हरिंदर पाल चंदूमाजरा ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामग्री भेजी है। वहीं विधायक के साथ साथ स्थानीय लोग भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लुधियाना ट्रैक्टर पार्ट्स एसोसिएशन ने 19वें स्थापना दिवस पर बैठक का आयोजन किया। बैठक में जीएसटी के कमिश्नर पवन गर्ग भी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों को जीएसटी संबंधित मुश्किलों पर उन्होंने चर्चा करी। जालंधर के थाना मकसूदा के एक गोदाम में देर रात भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि वहां खड़े कई वाहन आग की चपेट में आ गए। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पंजाब के 11 जिलों में पहले फेज की आर्थिक गणना को जिला मोगा में भी शुरू किया गया है। आपको बता दें, 438 कर्मचारी और 185 सुपरवाइजरों को काम पर लगाया गया है। ये सभी कर्मचारी रोजगार का डाटा इकट्ठा करेंगे। पंजाब एग्रो की खरीद को बंद करने के खिलाफ किसान यूनियन लखोवाल ने समाना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के फैसले से किसानों को नुकसान होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पंजाब शिक्षा बोर्ड की ओर से फीस में बढ़ोतरी को लेकर जालंधर में डीएवी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की। गुरदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के कई मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ और जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं किसानों ने कहा कि बाढ़ की वजह से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मलेरकोटला में आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करी। वहीं कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बठिंडा में लेखाकार कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कर्मचारियों ने एसडीओ पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग करी। पठानकोट बस स्टैंड पर बीएसएनएल की तरफ से फ्री वाईफाई की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें, इस सेवा का लाभ बस स्टैंड पर आने वाले सभी यात्री उठा पाएंगे। नकोदर के नहर पानी में मरी हुई मछलियां आने से लोगों में दहशत का माहौल है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने लोगों को मछलियों को ना खाने की हिदायत दी है। गीदड़भा में स्थानीय लोगों ने नशा तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तस्कर गांव में कई इलाकों में नशा सप्लाई किया करता था। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। खन्ना पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों पर कई थानों में 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी अब तक 41 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने चोरों से 1,35,000 रुपए भी बरामद किए। श्री मुक्तेश्वर साहिब के गांव सुखना अबलू में नाजायज संबंधों के चलते देर रात घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। होशियारपुर के कस्बा गदशंकर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने वेल्डिंग की दुकान पर बुजुर्ग पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इत्तला करी और जमकर नारेबाजी भी करी। बोया में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। वहीं मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।